सुनाए न्यूज में, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और एवरग्रीन एक्ट्रेस कहलाए जाने वाली रेखा के बारे में। जी हां, रेखा अक्सर ही लाइमलाइट में बनी रहती है। जहां भी रेखा को स्पॉट किया जाता है हमेशा ही उनकी सुंदरता के बारे में बात की जाती है। रेखा ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। जितनी उनकी फिल्मों में बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेकर तारीफ की जाती है उतना ही ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। और आज हम आपको बताएंगे रेखा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। जी हाँ, रेखा एक ऐसा नाम है जिनको बच्चा बच्चा जानता है। आज भी रेखा की फैन फॉलोइंग, उनकी सुंदरता पहले जैसी ही है और आज भी फैंस रेखा के बारे में जानने के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं। और खास तौर पर मैं आप सभी के लिए इसी वजह से ये प्रोग्राम लेकर आई हूँ ताकि आपको रेखा से जुड़ी कुछ अनकही बातों से रूबरू करवा सकूं। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर नजर। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस कहलाई जाने वाली रेखा, जी हाँ, जिन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, तो वहीं अपनी एक अलग छाप छोड़ चुकी हैं एवरग्रीन रेखा। जितना रेखा अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं उतना ही वो सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ अपनी लव स्टोरी के लिए भी खूब चर्चा में रही हैं। आज भले ही अमिताभ बच्चन जया बच्चन से शादी कर अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हों, लेकिन आज भी रेखा अकेली हैं। जी हाँ, रेखा हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रही हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि रेखा अमिताभ बच्चन की कितनी बड़ी फैन थी और वो अमिताभ जी के बारे में क्या क्या सोचती थी। जी हाँ, अगर खबरों की माने तो एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने कहा था कि फिल्म दो अनजाने में बच्चन, जी हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के बारे में रेखा ने कहा, जिस क्षण मुझे पता चला कि अमित जी ने दो अनजाने पर साइन किया है तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मैं बहुत परेशान थी। मैं वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान थी और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सेट पर होने के बारे में मेरी धारणा को बदल दिया। ये मेरे लिए कभी भी एक खेल का मैदान नहीं था। जी हाँ, अगर खबरों की माने तो रेखा सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि अमिताभ ऐसे इंसान हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। मैं साधारण से कभी प्रभावित नहीं हुई हूँ और वो ऐसा कुछ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने उन्हें कभी दर्द व्यक्त करते हुए नहीं देखा है। वो वाकई काफी बेहतरीन इंसान है। इतना ही नहीं, एवरग्रीन रेखा ने आगे कहा कि वो इस बात से परेशान थी कि एक व्यक्ति के कितने अच्छे गुण हो सकते हैं। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं जब आप किसी चीज से मोहित हो जाते हैं, अवचेतन रूप से इसे महसूस किए बिना भी आप बस सब कुछ उठाते हैं। और जब मुझे अमिताभ मिले, मैंने कभी उनके जैसी किसी से मुलाकात नहीं की थी। एक इंसान में इतने सारे अच्छे गुण कैसे दिए जा सकते हैं? जी हाँ, रेखा का ये साफ तौर पर कहना था कि अमिताभ जैसे इंसान से वो पहले कभी नहीं मिली। वो काफी अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी भी अपना दर्द व्यक्त नहीं किया है, कभी भी अपना दर्द नहीं बताया है। और साथ ही साथ रेखा का ये कहना है कि एक इंसान के अंदर इतने अच्छे गुण कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी से हर कोई वाकिफ है। रेखा के इन बयानों से वाकई ऐसा लग रहा है कि रेखा वाकई अमिताभ बच्चन से आज भी कहीं ना कहीं प्यार करती हैं। जी हाँ, भले ही ये लव स्टोरी अधूरी रह गई हो, लेकिन इस लव स्टोरी के चर्चे सालों तक होते हुए नजर आते हैं और आज भी अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी की चर्चा होती हुई नजर आती है। तो वहीं आपको बता दे, रेखा से जब अमिताभ के साथ उनके कनेक्शन के बारे में पूछा गया तो रेखा ने कहा कि क्या आप सच जानना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स मैं उन्हें पसंद करती थी,
रेखा ने कहा कि दुनिया भर का लव आप ले लीजिए। जी हाँ, रेखा का ये साफ तौर पर कहना था कि वो ऐसा फील करती हैं कि दुनिया भर का प्यार अमिताभ ले लीजिए। जी हाँ, रेखा वाकई अमिताभ बच्चन से कितना प्यार करती हैं इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन और रेखा एक वक्त पर एक दूसरे से शादी तक करना चाहते थे। लेकिन अगर खबरों की माने तो अमिताभ बच्चन के पिता यानी कि हरिवंश राय बच्चन ने साफ तौर पर अमिताभ बच्चन को रेखा से शादी करने के लिए मना कर दिया था, और शायद इसी वजह से रेखा और अमिताभ बच्चन का रिश्ता खत्म हो गया। आज भले ही ये दोनों साथ में नहीं है, लेकिन रेखा हर वक्त अमिताभ बच्चन की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आती हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इन बयानों में कहा है कि वाकई उन्होंने अमिताभ जैसा इंसान नहीं देखा, अमिताभ बच्चन काफी बेहतरीन इंसान है, वो एक काफी अच्छे इंसान है, तो भाई रेखा के इन बयानों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि रेखा भले ही अमिताभ से दूर हैं, उनकी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन आज भी वो अमिताभ बच्चन की रिस्पेक्ट करती हैं। वहीं अगर बात की जाए रेखा की खूबसूरती के बारे में तो आपको बता दें, कहा गया है कि पिछले दिनों रेखा सर्जरी करवाने के लिए पेरिस गई थी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दे ऐसा पहली बार नहीं है जब रेखा ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। इससे पहले भी कई बार रेखा अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है। जी हाँ, आज भी रेखा इतनी जवान दिखाई देती है, आज भी इतनी खूबसूरत दिखाई देती है, तो कहीं लोग सोशल मीडिया पर यही कहते हैं कि रेखा की खूबसूरती का राज सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी है। जी हाँ, रेखा तभी आज भी बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस कहलाई जाती है। जी हाँ, वही आपको बता दे रेखा की खूबसूरती के लाखों लोग दीवाने हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में रेखा की खूबसूरती के कई एक्टर्स दीवाने हुए, जिनमें से एक अमिताभ बच्चन भी रहे थे। जी हाँ, रेखा दिन पे दिन उनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। भले ही अमिताभ बच्चन और रेखा एक नहीं हो पाए, लेकिन आज भी इनके प्यार के चर्चे काफी ज्यादा मशहूर है। आज फैंस इन दोनों के प्यार के बारे में जानना चाहते हैं। तो वही आपको बता दे अब अमिताभ बच्चन की शादी तो जया बच्चन से हो गई, लेकिन कहा जाता है कि जया बच्चन रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो वहीं आपको बता दे एक वक्त था जब ऐसी खबरें आई थी कि अमिताभ बच्चन बीमार थे और जया बच्चन ने रेखा को अमिताभ से हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं दिया था। जी हाँ, जया बच्चन को शायद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थी कि भाई रेखा और अमिताभ बच्चन की करीबियां एक बार फिर से बढ़ने लगे। पहला अमिताभ बच्चन तो जया बच्चन के हो चुके हैं और अब रेखा अकेली है, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती, उनका सिजलिंग अवतार आज दिन देखने को मिलता ही नजर आता है। वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आपको रेखा से जुड़ी कुछ दिलचस्प और कुछ अनकही बातों से रूबरू करवाया जो खुद रेखा ने ही कही थी। जी हाँ, रेखा और अमिताभ का रिश्ता उनसे तो हर कोई वाकिफ है। रेखा एक वक्त पर अमिताभ बच्चन को काफी ज्यादा प्यार करती थी, भले ही इनका प्यार मंजिल तक ना पहुंच पाया हो, शादी तक ना पहुंच पाया हो, लेकिन आज भी इन दोनों के प्यार के चर्चे दूर दूर तक हैं। आज भी फैंस इन दोनों के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और आज आपको जानने को मिला कि किस तरीके से रेखा ने अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, अपने कुछ दिलचस्प किस्से उन्होंने शेयर किए हैं, जो एक बार फिर से काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। लेकिन आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ, ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ, रेखा से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनकही खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।